नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। इस फिल्म ने रिलीज के महज 16 दिनों में ही गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात दे दी। हालांकि इस बीच जवान की कमाई में कई दिनों से गिरावट भी देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से तो फिल्म सिंगल डिजिट में कलेक्शन कर रही है। हालांकि शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखी जा रही है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे शनिवार को जवान कितनी करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और साथ ही अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट का क्या कहना है। शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कर कलेक्शन कर रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह फिल्म सबसे तेजी से कमाई कर रही है। हालांकि रिलीज के दूसरे हफ्ते से फिल्म की कमाई हर दिन घट रही है, बावजूद इसके जवान ने कमाई के तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। जहां रिलीज के 16वें दिन फिल्म ने गदर 2 का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। दरअसल जवान ने 16वें दिन 7 करोड़ रुपए कमाकर गदर 2 के कुल कलेक्शन 532.93 करोड़ रुपए को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अब जवान की रिलीज के 17वें दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं, जिसके मुताबिक तीसरे शनिवार फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। एक अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जवान ने रिलीज के 17वें दिन 12 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ जवान की 17 दिनों की कुल कमाई अब 545.58 करोड़ रुपए हो गई है। अब देखिए, इस बात में वाकई कोई शक नहीं कि शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहद लकी है। जहां साल की शुरुआत में उनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म पठान ब्लॉकबस्टर रही, तो हालिया रिलीज फिल्म जवान उससे भी 2 कदम आगे साबित हुई है। यहां तक कि जवान रिलीज के 17वें दिन 545.58 करोड़ का कलेक्शन कर पठान के 543.5 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसी के साथ जवान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर आ गई है। अब जवान 600 करोड़ के टारगेट पार करने की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि ये माइलस्टोन भी जवान जल्द ही पार कर लेगी। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।